हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर बटर मसाला। मेरी तो ये फेवरेट रेसिपी है ही। जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपकी भी ये फेवरेट हो जाएगी। वैसे तो पनीर की बहुत सारी रेसिपी YouTube चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी, बट पनीर बटर मसाला उनमें से एक फ़ेमस रेसिपी है। मेरे घर में सभी को पनीर बटर मसाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये रेसिपी आज अपने लिए बनाई हुई है। तो मैंने कहा चलिए इसका वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ पनीर बटर मसाला की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला हुआ है सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से जब भी गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे हम 3 से 4 बड़े साइज़ के रफली चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज जो है ना, हमें बड़े बड़े चॉप करने हैं, और उसी तरीके से बड़े बड़े शेप में हमें 4 से 5 एकदम से लाल देसी टमाटर यूज़ करने हैं, तो वो भी काट के हम इसमें डाल देंगे। 3 से 4 मिर्च हरी वाली हमें डालना है, और स्पाइसी जो है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने लहसुन डाला हुआ है। लहसुन जो है ना अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने डाला हुआ है, इट मींस कि 20 से 25 लहसुन की कलियाँ मैंने डाली हुई हैं। और अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक चॉप कर लिया हुआ है, वो मैंने डाल दिया हुआ है। और सूखी लाल मिर्च यहाँ पर मैं ले रही हूँ, जिससे कलर एंड टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और एक डाल दे रहे हैं हम बड़ी वाली इलायची, और 2 इलायची हम हरी वाली यूज़ कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को जो है ना हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। तो हमने डाला हुआ है प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और लाल मिर्च, और थोड़े से खड़े मसाले, अगर आपके पास तेज़पत्ता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, एंड हाई फ्लेम पर सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड अच्छे से मिक्स कर देने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट इसमें हम ऐड कर देंगे, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो टमाटर वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। तो थोड़ा सा सॉल्ट हमें ऐड कर देना है, बाकी का सॉल्ट जब भी हम कुक करेंगे तब हम ऐड करेंगे। अच्छे से सारी चीज़ें पक जाएं, इसके लिए हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया हुआ है। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, एंड मिक्स करने के बाद हमें इसे कवर करके पकाना है जब तक ये सारी चीज़ें हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो सॉफ्ट होने देने तक हम इसे मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे हम पकने देते हैं। तो मींस लग जाएगा 5 से 7 मिनट तक हमें पकाना है, बीच में 1-2 बार हम चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं बादाम। बादाम आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी में भिगो दिए थे मैंने बादाम, और उस पानी सहित बादाम को हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, या फिर काजू एंड बादाम दोनों ही डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 बादाम लिए हुए हैं, जिसको मैंने भिगो कर रखा हुआ था। इसमें डाल देंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, एंड सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कवर करके रख दे रही हूँ, और देखिए 7 से 8 मिनट के बाद एकदम से अच्छे से सारी चीज़ें मैशअप हो गई हैं, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं, टमाटर एंड प्याज अच्छे से पक गया है। इसको हम कम्प्लीट ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। तो फाइन पेस्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, और डाल देंगे बटर। सरसों का तेल इसलिए डाला है ताकि जो बटर है वो हमारा जले नहीं। तो बटर जो है ना, हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में बटर ले लेना है, क्योंकि बटर मसाला बना रहे हैं तो बटर की क्वांटिटी हमें थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखते हुए बटर को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। जब भी बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो कलर एंड फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, बट इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो बटर में डालेंगे तो कलर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, एकदम से उभर कर कलर्स आते हैं जब भी हम बटर के साथ यूज़ करते हैं कश्मीरी लाल मिर्च को। थोड़ा सा पक जाने देंगे, और उसके बाद जो मैंने प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाई हुई थी उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, एंड मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे हमें चला लेना है, मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि कश्मीरी लाल मिर्च का कलर एंड बटर का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए।
गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हम इसको बराबर से चला लेंगे। एंड जो भी बर्तन वगैरह में जिसमें भी हमने इसको ग्राइंड किया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पूरा सा सारा ग्रेवी निकालते हुए हमें इसमें ऐड कर देना है और उसके बाद हमें इसको अच्छे से पक जाने देना है, इट मीन्स बॉयल आ जाने देना है। तो जब भी हमारा बॉयल आने लगेगा तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा बॉयल आ गया है, मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए हमें इसे पकाना है, क्योंकि अगर हम चलाएँगे नहीं तो ग्रेवी हमारी गाढ़ी है नीचे से लग जाएगी। तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट यूज़ कर लेंगे, सॉल्ट हमने पहले भी डाला था, ध्यान रखते हुए यहाँ पर हमें सॉल्ट यूज़ कर लेना है। और उसके बाद हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर गरम मसाला। तो पनीर में जो है ना गरम मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम चीनी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है एंड बटर मसाला में चीनी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चीनी जो है ना वो पनीर बटर मसाला का मेन इन्ग्रीडियंट होता है जिससे कि सारे फ्लेवर्स एंड टेस्ट जो है ना वो बहुत ही यूनिक आता है। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पनीर और पनीर को मैंने ऐसे बड़े क्यूब्स में कट कर लिया हुआ है। तो इसमें जो है ना पनीर को हमें फ्राई नहीं करना होता है, नॉर्मल पनीर को हम ऐसे ही करके डाल देते हैं तो हमें फ्राई नहीं करना होता। कुछ लोग फ्राई करके भी डालते हैं बट नॉर्मल पनीर भी अगर इस तरीके से आप नॉन फ्राई किया हुआ भी डालते हैं ना तो भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब जो है ना हमें ध्यान रखना है कि हमें हल्के हाथों से सब्ज़ी को पकाना है एंड चलाना है, क्योंकि क्या है ना कि पनीर जो है ना सॉफ्ट होता है, टूटने का डर ज़्यादा रहता है इसमें। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम पनीर को अच्छे से पक जाने देंगे। एंड देखिए ऑयल जो है ना, ऑयल एंड बटर चारों तरफ से रिलीज़ हो रहा है एंड इतना अच्छा कलर आया हुआ है सब्ज़ी का। तो ऑलमोस्ट सब्ज़ी जो है ना वो हमारी बनने को है और यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं पनीर बटर मसाला का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैं एक क्रीम का वो पैकेट आता है इतना मैं पूरा यूज़ कर ले रही हूँ एंड क्रीम का जो फ्लेवर है वो बटर मसाला में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है। इससे जो कलर जो है ना सब्ज़ी का वो भी बहुत रिच आता है एकदम से। देखिए जब भी हम इसको मिक्स करेंगे ना तो जो उसका रिचनेस है ना वो आपको देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा रिच फ्लेवर देता है, देखने में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अच्छे से पूरा क्रीम मैं निकाल के इसमें डाल दे रही हूँ और क्रीम डालने के बाद हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम क्रीम डाल देंगे तो हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, क्योंकि क्रीम डालने के बाद हार्डली 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे एंड देखिए जब भी हमने क्रीम डाला हुआ है तो कितना रिच फ्लेवर एंड कलर आया हुआ है इसका, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है देखने में। और क्या है ना कि अभी जो सब्ज़ी हमारी थोड़ी पतली लग रही है ना, ठंडा होने के बाद पनीर बटर मसाला ऑटोमेटिक जो है ना वो एकदम से गाढ़ा हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इस स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पतली ही रखिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद जब भी क्रीम एंड बटर एंड पनीर वगैरह जब भी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है ना तो फिर वो गाढ़ा हो जाता है। तो अभी देखिए हमारा जो पनीर बटर मसाला है वो रेडी हो चुका है, अभी इसकी थिकनेस जो है ना अभी ठीक है बट जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये और भी ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग प्लेट में पनीर बटर मसाला को निकाल लिया हुआ है और गार्निश किया हुआ है क्रीम के साथ। आप चाहें तो कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। मेरे हस्बैंड को कसूरी मेथी कम पसंद है इसलिए मैंने नहीं डाला हुआ है, बट आप तो अगर पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा एंड आई होप रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखिए दीप्ति राजपूत किचन। बाय।